ये है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और ये इंडिया से हारने के बाद जिनके घर पर जिनसे मिलने गई है उनका नाम है दलाई लामा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की फोटोज को देखकर यही लगता है कि इनकी टीम यहाँ पर मन की शांति के लिए आई है, क्योंकि ये जिनसे मिलने आए हैं मतलब कि दलाई लामा, इन्हें ज्ञान का महासागर कहा जाता है और दलाई लामा वर्ड्स का मतलब भी यही होता है, मतलब कि ज्ञान का महासागर। ये तिब्बत के बौद्ध धर्म में सबसे ऊंची गुरु की पोस्ट होती है। अभी के मतलब 14वें दलाई लामा का असली नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। देखिए, तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था लेकिन कुछ समय में चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया और साल 1959 में 14 दलाई लामा किसी तरह से बचते बचाते इंडिया भाग कर आ गए। तब से इंडिया के धर्मशाला में दलाई लामा रह रहे हैं और लगभग 1,00,000 तिब्बतियन रिफ्यूजी भी इंडिया में ही रहते हैं। और ये भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम यहाँ से पॉजिटिविटी ले जा करके सीधा फाइनल में दिखे। बाकी आपको क्या लगता है, इस बार न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम फाइनल खेलेंगे या फिर सेमीफाइनल? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।